देखते रहिए UVN08 ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज आदिवासी भील समाज ब्यावरा ने विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। पहले नगर में बाइक रैली निकाली जो राजगढ़ बाईपास से प्रारंभ होकर गुना बाईपास बस स्टैंड पीपल चौराहा होते हुए अंजनी लाल धाम पर पहुंचे, जहां पहुंचकर महापुरुषों के फोटो पर माल्य अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रिटायर SDM गोपाल चौहान PWD जन आशीर्वाद यात्रा में पधारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। वचन देता हूँ कि 9 तारीख करोगे हम लोगों के लिए जमीन बचेगी नहीं, हम कहाँ जाएंगे। ये तो पूरा देश जो है, पूरा प्रदेश आदिवासी आदिवासी नए आदिवासी हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है 20 जिलों में छुट्टी घोषित कर दो, बाकी 20 जिलों में परसों 3 दिन से डेरा फिर मैंने जमा भोपाल में, और उसके बाद ये एचई को घोषित किया गया। इस प्रकार से 9 अगस्त को आज हम जो है मान सम्मान इज्जत के साथ आज बैठे हैं। आदिवासी जब जंगल जमीन की बात आप लोगों ने की होगी, मेरे पहले भी एक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा की अगर आदिवासी से छीन लिया जाता है तो उसका मान चला जाता है, उसका अधिकार चला जाता है, उसका अस्तित्व चला जाता है। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आदिवासी का जमीन का एक टुकड़ा भी अगर छीन लिया जाए तो उसका जीवन का अधिकार चला जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टोटल आदिवासियों की संख्या 1.53 करोड़ हम लोग हैं और टोटल जनसंख्या का लगभग 21.10% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और पूरा आदिवासी समाज एक ही बात एक ही काम के लिए आ सकते हैं। हम लोग अगर हमारे पास जमीन नहीं हो हम लोग